एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसन बा, सब ठीक नू? आई होप कि आप लोग सब अपने घर में बहुत अच्छे होंगे। मैं भी यहाँ बहुत अच्छी हूँ और आप लोग सबको तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं। कल तीज है और आप लोग सबके घर में प्रिपरेशन चल रही होंगी, मेरे घर में भी चल रही है। तो देखते हैं, लेट्स गो कि हम लोग आगे क्या प्रिपरेशन करते हैं, अभी क्या करने वाले। तो ज्यादा टाइम स्पेंड ना करते हुए चलते हैं। पहले मेहंदी लगेगी, फिर शॉपिंग पे जाएंगे, बहुत कुछ करना है। तो वीडियो को एंड तक देखना मत भूलना, जरूर देखना, ठीक है? और बेस्ट पार्ट, कमेंट करना, बहुत मजा आने वाला है। बाय बाय। समझ रहे हो? समझ रहे हो? इधर दीदी मेहंदी लगा रही है, तीज की प्रिपरेशन चल रही है इधर। हाँ, हमारे पति देव चले गए मायके। क्यों रे? परसों है 30 तारीख को, 20 अगस्त को तीज है। और ब्लॉग कब पोस्ट होगा ये नहीं कह सकते हैं, लेकिन हम लोग तीज कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं वो पूरा दिखाएंगे आपको। बस 2 मिनट बाकी है और इस भ्रष्टाचार के खेल को खत्म होने में सिर्फ 2 मिनट रह गए। 2:28 हो चुके हैं, 2:30 पे भ्रष्टाचार वाली बिल्डिंग बस होने वाली है। चला गया। 2 मिनट में ये भी 2 सेकंड में बस। ओह माय गॉड, कितना ज्यादा इसने मलवाया होगा। उसके बाद देखिए हमारे घर में लोगों का रिएक्शन देखने के लिए न्यूज चैनल टीवी लगा के ऐसे साइड में। फाइनली डर गई है और हम लोगों ने बेडरूम से डाइनिंग रूम में आने का फैसला इसलिए लिया क्योंकि उधर देखो वो भी चल रही है और वो उधर चल रही है, वो देख लो। हाँ, तो हम भी देख रहे हैं। हाँ, तो अभी देख लो इधर पूरा मेहंदी लग चुकी थी, बात मेहंदी कुछ बोल भी नहीं रहा हूँ लोगों को। चैनल से लगे गजब बेइज्जती है। लाइक करिए, फॉलो करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अब कर लेना, दीदी भी बोलती, लड्डू भी बोलती, सबसे मैंने बुलवा लिया। कुछ और पैसे लेके खरीद। चलो ठीक है, हो गया मेहंदी, थोड़ा फाइनल करके हाथ धो के सब। मैंने बोला चलो पानी पूरी खाने चलते हैं, बुला रहा पानी जा रही है। रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने का। जब से इधर उधर फोन पे बिजी, कभी 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 क्या, कभी कभी मूवी देखना, कभी कुछ। बेटा हमारी मम्मी पानी पूरी खाने नहीं जाते, बोलो मम्मा को। मम्मा नहीं। पहुंच गए पानी पूरी खाने और ये आदमी फिर भी फोन पे बिजी है। ये पानी पूरी खिलाने लेके आए हैं कि हम लोग इनको पानी पूरी खिलाने लाए, पता ही नहीं चल रहा। ज्यादा भीड़ हो रही है ना, पता नहीं हमारा नंबर कब आना। और इसको देखो यहाँ से पानी दे। देखो हम लोग शॉपिंग करने आए हैं और हमें ना ये वाली इयर रिंग बहुत पसंद आई है और साथ में ना हमने इतनी सारी इयर रिंग सेलेक्ट की है। ये देखो ये वाला कितना यूनिक सा, ये इसका डिफरेंट पैटर्न है और
ये वाला पैटर्न भी काफी अच्छा है। तो दीदी ने लगभग इतना सारा पसंद कर लिया, अभी और भी पसंद कर रही, कंफ्यूज हो रही है। हम लोगों को ना सबसे ज्यादा यूनिक पैटर्न ये लगा, लेकिन भैया इसका पता नहीं बहुत ज्यादा महंगा बता रहे हैं। There's a distance between us, it's getting hard to reach out. की तैयारी पूरी जोरों शोरों से चल रही है तीज में, ऐसा दीदी का कहना है और बुजुर्गों का कहना है कि 5 फ्रूट्स चढ़ाने होते हैं। तो हमारे यहाँ ये देखो इतने सारे फ्रूट्स आ चुके हैं, ऑलमोस्ट उनके पास देखो इतने सारे फ्रूट्स, 5 फ्रूट्स हमारे कम्प्लीट हो चुके हैं। तैयारियाँ जोरों शोरों से चल रही है, चेक करके लेना जरूरी होता है। तो हम लोग वापस आ चुके हैं मार्केट से और यहाँ बन रही है गर्मा गर्म मसालेदार मैगी। तो तैयारियाँ ऑलमोस्ट चल चुकी हैं, मतलब तैयारियाँ हो चुकी हैं मैगी बनाने की। देख ही रहे हो कितनी आवाजें आ रही हैं, मैगी तो बन ही रही है। आप भी हमारे साथ मैगी बनाओ। तो अब गया इसमें ये हुए मटर है के अंदर मटर डाल दिया मैंने और टमाटर मटर प्याज सब इसके अंदर चला जा चुका है, मिर्ची भी। बस थोड़ी देर में ये मैं मैगी ये मसाला इसके अंदर डालूंगी। और वैसे अगर आप लोगों को मेरी मैगी की रेसिपी चाहिए तो कमेंट करो फटाफट। मैं ना थोड़ा डिफरेंट बनाती हूँ मैगी, बहुत मज़ेदार मैगी मुझे तो अच्छा लगता है, वरना मेरे घर वालों को भी अच्छा लगता है। बाकी एक बार मेरी रेसिपी आप ट्राई करके देखना, आपको भी अच्छा लगेगा। चल चूर। वो अगर चाहिए तो कमेंट में जरूर लिखना है कि मैं सारी प्रिपरेशन हो चुकी है, मेहंदी भी लग चुकी है, सब कुछ हो गया, शॉपिंग वगैरह हम लोगों ने कर लिया, दीदी की मेहंदी भी लग गई। और बस अब रात के बज रहे हैं 10:30, तो अब हम लोग चल रहे हैं सोने के लिए, डिनर हम लोगों ने कर लिया है और ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। और तीज की सारी प्रिपरेशन आप लोगों की कैसी रही आप भी कमेंट करके बताएं, और दूसरी बात चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करके बताओ कि आपकी तीज की प्रिपरेशंस कैसी रही, आप लोगों ने क्या किया। और इंस्टाग्राम पे कभी आओ कभी पधारो ना, फॉलो करो इंस्टाग्राम पे। बाय, गुड नाइट, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए द आर्या।